बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अरफा आरबी। आज मेरे पास जो किताब है उसका नाम है कलाम-ए-फैज़ अहमद फैज़, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है क्योंकि इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब असलम कमाल साहब। कलाम-ए-फैज़ अहमद फैज़ जनाब असलम कमाल साहब की मुसव्विराना तसनीफ़ है। असलम कमाल साहब बुनियादी तौर पर एक खत्तात, मुसव्विर और डिज़ाइनर थे, मगर इसके साथ साथ आप एक शायर, नसर निगार, कालम नवीस और सफ़रनामा निगार भी थे। बुनियादी तौर पर आप कलाम इकबाल के लिए मशहूर थे और गुज़िश्ता 40 बरसों से कलाम इकबाल को मुसव्विर कर रहे थे। असलम कमाल साहब की यह किताब भी मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर गज़लों और नज़मों पर की गई मुसव्वरी पर मुश्तमिल है। इसीलिए मैंने आगाज़ में ही कहा था कि यह किताब देखने से ताल्लुक़ रखती है। मुसन्निफ़ असलम कमाल लिखते हैं कि मेरे लिए यह एक बेमिसाल एज़ाज़ की बात है कि फैज़ अहमद फैज़ जैसे अज़ीम शायर ने मुझे अपना कलाम मुसव्विर करने की दावत देकर मुझे मुअज़्ज़िज़ कर दिया। यानी कलाम-ए-फैज़ पर यह मुसव्वरी खुद फैज़ अहमद फैज़ की फरमाइश पर की गई है। असलम कमाल साहब की तज़ियाती, फ़िक्री, रूहानी और तशरीही मुसव्वरी उनके नक्श, हरूफ और रंग की पहचान है। उनकी इनफरादियत, जामियत, शनाख्त और सालमियत ही उनका असल आर्ट है। असलम कमाल साहब की ड्राइंग्स और पेंटिंग्स शायर के बुनियादी तसव्वुरात की तौज़ीह और तशरीह में बड़ी मावन साबित हो रही हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल तन्हाई में, ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में ख्वाबीदा चराग, इस गज़ल को आपने इंतहाई खूबसूरती के साथ पेंट किया है। खिड़की के बाहर बादलों से झांकते हुए सितारे और कई मंजिला इमारत जिसके तमाम खुले दरवाज़े और बुझता हुआ चराग दिखाया गया है। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक मशहूर गज़ल जो कि इकबाल बानो साहिबा की आवाज़ में हम सब ने सुनी हुई है, दश्ते तन्हाई में ऐ जान जहाँ लर्जा हैं तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के शराब, एक ही तस्वीर में आपने पूरी गज़ल के हर एक मिसरा को इंतहाई बारीक बीनी से पेंट किया है। सोचों में मशगूल बैठा हुआ तन्हा शख्स और उसके पीछे उसकी तमाम सोचों को भी इंतहाई खूबसूरती से पेंट किया है। इसी तरह से और भी बहुत सी मशहूर गज़लें और नज़में हैं जिन पर आपने पेंट किया है, मसलन तराना मुजाहिदीन फ़लस्तीन के लिए, हम जो तारीख राहों में मारे गए, दिले मन मुसाफिर मन, खुदा वो वक्त ना लाए वगैरह, इन सब पर बहुत खूबसूरत मुसव्वरी की गई है। फिर एक और गज़ल रकीब से में महबूब और रकीब दोनों को दिखाया गया है। गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इस गज़ल के ऊपर तीन दफ़ा अलग अलग अंदाज से पेंट किया गया है। ये किताब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के बानी फैज़ अहमद फैज़ साहब को असलम कमाल साहब ने फैज़ ईयर 2011 के मौके पर खराज तहसीन पेश करते हुए पेश की गई थी। शुक्रिया।